सो इस लाइन में जितने भी हैं ये पूरे रेस्टोरेंट्स ही हैं, और इसलिए यहाँ पे चहल पहल रहती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो आप रात तक 1 बजे तक 1:30 बजे तक बैठ सकते हो यहाँ पे, और हम हैं मंदरेसा में और घूम रहे हैं। इस गांव की एक अच्छी खास बात है जो अमित भैया बता रहे हैं कि कभी भी निकल जाओ चाहे रात को 1 बजे भी, चहल पहल थोड़ी लगी रहती है। सो वी आर इन टिपिकल बार, अभी बार में हम और हम क्या ले सकते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे सब कुछ कतालान में लिखा हुआ है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सो ये सामने कार्ड है, सो मैं अभी देखता हूँ क्या मैं ले सकता हूँ यहाँ से। ये प्लेस है ये उठा लेना मेरा। घर पे आलू पराठा। सो यहाँ पे हमारा कट चुका है चूतिया, क्योंकि हमने देखा कि बहुत अच्छी प्लेस है। और यहाँ पे मैंने जो लिए वो एक ब्लैक बियर लिए, जैसे कि ये है तुम्हारा ज़्यादा कट, ये ब्लैक बियर है। और अमित भैया ने लिए कोई इंग्लिश बियर, इंग्लिश बिटर करके नाम था इसका। और जो ये मेरी वाली है ये है क्या था इसका नाम, वाले मुझे याद है। सो ये जो बोल रहे हैं कि ये इम्पीरियल पास्त्री स्टाउट। ओके, सो ये हम ट्राई करने वाले हैं चिंची। चलो ग्रेटियस, लेट्स ट्राई दिस। ये भी ट्राई करो, इसमें तो मेरी वाली में तो चॉकलेट का टेस्ट है। ये हार्ड है, इसमें जो जो ये है इसमें ये हार्ड है क्योंकि ये थोड़ी मीठी है, चॉकलेट का टेस्ट आ रहा है। और इसमें 11% अल्कोहल है, और अमित भैया वाले में 6% अल्कोहल है, 4% अल्कोहल है। नाइस। सो ये हमें 8 यूरो की पड़ी है, 4 यूरो की एक। हमारा चूतिया कट चुका है, 12 बियर आती घर पे जाके पीते आराम से फुल लाइफ। खैर कोई नहीं, चलो चलता है, होता है, एक्सपीरियंस लेना चाहिए ऐसी चीज़ों का। लेकिन जो जगह है वो बड़ी अच्छी है। और ये एक गली में घुस के हम अंग्रेज समय, पहले मैं सोच रहा था कि हम बाहर ही पिएंगे, लेकिन यहाँ भी ठीक ही है। बियर वॉज ओके, और जब इतना पैसा खर्च कर ही दिया है बियर में तो बोलना तो पड़ेगा हाँ भाई कि ठीक थी बियर। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बियर थी वो थी लुल्लुएस्ट बियर ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है जहाँ पे अभी हमने बियर पी है मनरेसा में। अभी इससे बड़े तो हम कोई सुपरमार्केट जाते हैं वहाँ से खरीदते किंगफिशर टाइप की कोई बियर, घर पे जाके पीते तो ज़्यादा इंजॉय करते। बट कोई बात नहीं, दोपहर के बज रहे हैं 4:15 और मैं आ चुका हूँ बार्सिलोना में। और आज हमारा प्लान है, आज क्योंकि सैटरडे और कल संडे है मेरी छुट्टी, और कल मैं मैड्रिड जा रहा हूँ वापस। तो हमारा ये प्लान है कि हम यहीं पे एक हॉस्टल में रुकेंगे जो कि हमें 80 यूरो पर नाइट पे पड़ा है, यानी कि 40 यूरो पर पर्सन, और उसका नाम है आर्क हाउस। और ये बार्सिलोना सेंटर में ही है, तो बेस्ट है कि जब सेंटर में है तो हम रुक सकते हैं, पूरी रात इंजॉय कर सकते हैं। वरना मनरेसा जाने के लिए लास्ट ट्रेन जो है वो 10 बजे निकलती है, तो उसके बाद हम इंजॉय नहीं कर सकते। सो ये है आर्क हाउस यहाँ पे। सो इसमें हम चलते हैं और देखते हैं भाई कि कैसा है। लेट्स गो इनसाइड। शो हिम द रिजर्वेशन। सी सी टेनेमोस सी यो हैव लो नो सोय द इंडिया ¿Cómo? Soy de India, sí, latino. ¿Cómo hablas español? No he visto nunca indio que hablaba... Ya. Bueno, ya has visto. Acabas de conocer un indio que habla español. So, yo recepción me mandé a decir que era que tú latín se, me dijo que no, yo latín se no, मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि बोल रहे हैं कि जो जो इंडियंस है मतलब वो इतनी अच्छी स्पेनिश नहीं बोलते। ये कुछ ऐसा हॉस्टल है यहाँ पे। आमिर कुमार चक्रवर्ती। सो एंट्री हो चुकी है भाई रूम में,
करूँगा। और ये है हमारा बेड यहाँ पे, एक और दो, एसी चल रहा है मस्त। होला बनास, ऊपर लोगे कहीं भी रख देते हैं अभी तो, ये घुसेगा नहीं मेरे ख्याल से। and... मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, अभी हमको चेंज करना है और निकलना है यहाँ से पहले। It's not because I am his friend, but he is really a very good person. You got marked. So Amit bhai yahan pe meri tareef kar rahe hai ek bande se jiska naam hai Henry and he is from Germany. Say hi Henry to my followers. So ye Henry hai aur ye hamara roommate hai yahan pe jo humne hostel liya hai. Hostel mein aap jante hi hoge 4 bed hote hain ya 5 bed ya 8 bed wala bhi hota hai. Ye hamara room hai, kafi sahi hai aur jo bed hai wo kafi acha hai. बाकी ये हमें पड़ा है 40 यूरोज़ में, 40 यूरोज़ पर पर्सन, उसके बाद 80 यूरोज़ हमने पे किए हैं प्लस टैक्सेस विच इज़ 10 यूरो। और ठीक है, एक रात के लिए सही है, मतलब आप अगस्त में या जुलाई में कभी भी आएंगे यहाँ पे स्पेन तो आपको कम से कम नहीं तो 100-150 यूरो से सस्ता होटल नहीं मिलेगा, सो हमारे लिए सही है। और उन्होंने ये बैंड दिया था बांधने को, उन्होंने बोला कि ये बैंड बांध के रखना वरना एंट्री नहीं होगी, लेकिन वो तो है ही नहीं। सो ये छोटा सा रूम है जहाँ पे एक बॉक्स है जहाँ पे हम सामान रख सकते हैं, एक और बॉक्स है और ये चार्जर है। और यहाँ से व्यू मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ से व्यू अभी बंद हो रखा है, अंधेरा हो रखा है। सो कुछ नहीं, अभी बाहर चलेंगे और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ और कपड़े चेंज करता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। सो अभी वक्त है यहाँ से निकलने का, बिकॉज टाइम हो चुका है 11, चेकआउट करने का टाइम है। एंड लेट्स गो फ्रॉम हेयर, दिस हॉस्टल बहुत सही था, यहाँ पर ही अपना कार्ड डालो और एसी ऑन हो जाता था। तो ऐसे कुछ बेड्स होते हैं हॉस्टल में स्पेन में, आप देख सकते हो। बाकी इट वाज और व्यू सब चेक कर लिया, व्यू दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से बार्सिलोना का। सो ये है, था हमारा हॉस्टल, चलो पता मशीन बढ़ता। तो ये था हमारा होटल, थैंक यू Mateo and hello. So nikalte hain yahan se, thank you very much, let's go from Barcelona. So today we have ended the Barcelona trip and we are going to Madrid. We are nahi, matlab main Madrid ja raha hu aur Amit bhaiya ko yahan se main karne wala hu bye bye. सो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है travelers_official। और इस ब्लॉग में क्या पसंद आया आपको आप कमेंट ज़रूर करें। और ये था आर्क हाउस हॉस्टल एंड लेट्स गो टू नाउ ट्रेन स्टेशन एंड कैच द ट्रेन फ्रॉम बार्सिलोना सैंड्स।